With exams around the corner, now seems like a good time for another episode of Campus Compass. तो कैसे हैं आप लोग? Are you struggling to get into the right mood for studying like most of us do? या आपका preparation on point है? We might not always be in the mood for studying, लेकिन exams में तो सबको बढ़िया number चाहिए. पढ़ना तो पड़ेगा ही भैया. So here are 5 quick tips to help you get into the mood for studying. Number 1, clean your studying area. आपका एक designated study area होना चाहिए जो बिल्कुल tidy और clutter free रहे. ऐसा एक स्पेस एक बहुत बढ़िया वाइब क्रिएट करने के साथ साथ आपको कंसंट्रेट करने में भी मदद करेगा. नंबर 2, सेट क्लियर गोल्स अहेड ऑफ एवरी स्टडी सेशन. एग्जाम्स के प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपको अपना सिलेबस छोटे सेक्शंस में बांट लेना चाहिए. इससे आपका हर एक स्टडी सेशन काफी पर्पजफुल बन जाता है. नंबर 3, यूज लो-फाई म्यूजिक टू गेट इनटू द मूड फॉर स्टडीइंग. पढ़ाई के समय लो-फाई म्यूजिक जो ज्यादातर इंस्ट्रूमेंटल होते हैं सुनने की कोशिश करिए. इससे आपके कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स बढ़ेंगे और आप YouTube पे अनेक लिंक्स पा सकते हैं बाय सिंपली टाइपिंग लो-फाई म्यूजिक फॉर स्टडीइंग. नंबर 4, डोंट फॉरगेट टू टेक इनफ ब्रेक्स. पढ़ाई करते समय ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है. ये आपका दिमाग को फ्रेश रखेगा, बर्नआउट रोकेगा और कॉन्सेंट्रेशन लेवल मेंटेन करने में आपका मदद करेगा. नंबर 5, रिवॉर्ड yourself फॉर studying. हर एक स्टडी सेशन के बाद अपने आप को रिवॉर्ड करना मत भूलिए, क्योंकि यही आपको मोटिवेटेड रखेगा. When you know you have a reward waiting for you, it's easier to get into the mood for studying. आपका रिवॉर्ड आपको अपने सेशन से पहले ही डिटरमिन कर लेना चाहिए. एंड इट कुड बी एज सिंपल एज अ टेस्टी स्नैक और एन एपिसोड ऑफ योर फेवरेट नेटफ्लिक्स शो. लेकिन एक एपिसोड से ज्यादा नहीं. आज के लिए तो इतना ही सही. वी होप यू फाइंड दैट परफेक्ट जोन फॉर स्टडी एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स. सी यू सून.